जांच अधिकारी कविता ने बताया कि एक 45 वर्षीय महिला ने शिकायत दर्ज कराई है कि जून वर्ष 2018 में पलवल निवासी जगवीर का मकान प्रति महीने 4000 रुपए के हिसाब से किराए पर लिया था। पीड़िता जगवीर के मकान में परिवार के साथ रहने लगी। जगवीर पानी के आरओ सिस्टम को चेक करने के बहाने बार बार पीड़िता के घर आने लगा। एक दिन पीड़िता घर अकेली थी और उसकी बेटी कॉलेज गई हुई थी। उसी दौरान जगवीर घर आया और अंदर कमरे में बैठ गया। जगवीर ने पीने के लिए पानी मांगा। पीड़िता जब पानी देकर कमरे से बाहर जाने लगी तो जगवीर ने उसे पकड़ लिया, पॉइंट पर उसका रेप किया। विरोध करने पर जगवीर ने पीड़िता को व उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी। धमकी के डर से पीड़िता चुप रही, जिसके बाद जगवीर हर दूसरे तीसरे दिन घर आता और पीड़िता का रेप करता। एक दिन जगवीर ने नग्न अवस्था में पीड़िता के अश्लील फोटो भी लिए। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि वह अपनी बेटी के साथ अवैध संबंध बनवाए। बेटी के साथ संबंध बनाने का पीड़िता आरोपी का विरोध करने लगी। 2 मई को जगवीर घर आया। उस समय पीड़िता व उसकी बेटी घर पर मौजूद थी। जगवीर ने आते ही पीड़िता की बेटी का हाथ पकड़ लिया और कहा कि या तो वह बेटी के साथ उसके संबंध बनवा दे, वरना उसे व उसके परिवार को जान से मार दिया जाएगा। पीड़िता ने मामले की शिकायत महिला थाना पुलिस को दी। पुलिस ने पीड़िता की मेडिकल जांच कराई, जहां पर रेप की पुष्टि होने के बाद आरोपी जगवीर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया और उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जगवीर को रविवार को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उसमें आरोप लगाया कि पीड़िता के साथ बलात्कार हो रहा था, उन्हीं के घर में रह रही है, वो ओनर है, मालिक उसके मकान के, और यही दरखास्त की उन्होंने। उसमें पीड़िता जो कार्रवाई बनती वो कर दी और अरेस्ट, आरोपी है जो, उसको अरेस्ट कर लिया गया कोर्ट में केस में। बेटी से संबंध बनाने के दबाव बनाया गया इसके बाद? अभी ऐसा सामने नहीं आया तब तक। सारी वीडियो वगैरह के भी नहीं पता है? नहीं, वीडियो के बारे में अभी तक क्या चल रहा है इसके लिए? अभी जी उसका बयान करवा दी पीड़िता के और मेडिकल भी करवा दिया, अरेस्ट कर लिया आरोपी है जो उनको।